मार देगा। अब मुझे भी शायरी याद आ गई। हाँ। मुझे है कोरोना, क्या मैं खांसू? हमारे बुढ़ी भी की वीडियो आ गई एकदम खांसू। क्या बोली? मॉर्निंग OMG फैमिली, होप दैट यू डूइंग वेल। सो गाइस, सुबह सुबह का टाइम है और अधिकतर मैं जा रहे हैं इस टाइम जिम। और सच्ची बताऊं, मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी सुबह उठने की। मेरा मन कर रहा था मैं बस सोई रहूं, पड़ी रहूं। मैंने चार बार फोन किया तब उठी है तू? नहीं 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 नहीं, जब मैंने नहीं उठना होता ना तो मेरे को 10 बार कॉल करता, मैंने उठना ही नहीं था। तेरी गलती है, मैं अपने अंदर से उठी हूँ। मेरी आत्मा ने कहा मुक्ति उठ जा, फिर मैं उठ गई। तो मैं चलते हैं, आज हमारी बैक करते हैं वर्कआउट। बैक नहीं है हमारी, आज हमारा बैक आउट है। गौतम ने कर दिया एक बहुत बड़ी क्लोन। भाई साहब मास्क लाना भूल गया। काम कर जिम में, किसको कॉल करके पूछ ले कि उन्होंने अगर एक्स्ट्रा मास्क रखे हुए हैं तो यू कैन यूज दैट। अब जाके हुए हम जिम से फ्री, और मैं थोड़ा सा जल्दी फ्री होने की कोशिश की मैंने, क्योंकि घर पे जाना है, ब्रेकफास्ट तैयार करना है, अदरवाइज मम्मी सारा कुछ तैयारी करके रखती है। तो अभी जाएंगे घर। हाँ यार, प्रिपेयर करेंगे ब्रेकफास्ट, उसके बाद हमने अपने दफ्तर भी जाना है। उए, कितनी खुशी होगी। हाँ। चल चलो 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 चलो। ओ गुगू, डैडी पॉटी आई। कोई नहीं लेकेगा पॉटी डैडू को। सब सूत्रों के हिसाब से पता चला कि आज बहुत ही बड़ा दिन है। आज मतलब इतना बड़ा दिन है कि घर पे कोई सेलिब्रेट नहीं करेगा उस चीज को, सिर्फ आदित्य गौतम करेगा, क्योंकि आज है क्या? इंजीनियर्स डे। स्टूपिड डे, बुरा मान जाएगा कुछ लोग। हैप्पी इंजीनियर डे। तुम्हारे जैसे जितनी तुम्हारी कैलकुलेशन तेज है ना, जितनी तुम कैलकुलेशन कैलकुलेटर में करते हो उतने दिमाग में कर लेते हैं। कैलकुलेट नहीं करते तुम, बोल तो छोड़ो परे। आज इतने इंजीनियरों से गाली पड़ेगी ना तेरे को। अच्छा अच्छा, क्योंकि इतने इंजीनियर है ना इंडिया में, इतने कोई प्रोफेशन में लोग नहीं है। देखो मैं तो सिर्फ आदित्य को पागल बोल रही हूँ, मैं किसी और को नहीं कुछ बोल रही। पर इंजीनियर अपने आप में एक ये फनी डे है या सीरियस वाला इंजीनियर डे है? सच्ची में इंजीनियर डे है। हैप्पी इंजीनियर डे। आदित्य गया टेडी को लेके पॉटी, और मैं बनाने लगी हूँ ब्रेड ऑमलेट। ताजी ताजी ब्रेड खोली और इसमें इतनी ज्यादा चींटियां लगी, मतलब मैं ये देख के हैरान हूँ कि बंद पैकेट के अंदर ही चींटियां लग गई। एक तो मौसम इतना ज्यादा गंदा है ना, मच्छर ऊपर से, चींटियां, देखो तो बंद पैकेट में से चींटियां निकली हैं, इतनी सारी चींटियां। बना लेती हाई प्रोटीन, इन्होंने घर ही बनाया हुआ है पूरा का पूरा। हाई प्रोटीन होता है तू खा ले चींटियां। अरे कूड़े वाला आया बाहर, चल कूड़े देख। तेरे को उठा के देखते हो उसके बाद? ज्यादा बकवास है हमारा घर। उन्हें इंजीनियर की बेइज्जती करी है ना, बदला लूंगा आज मैं तेरे से। सारे इंजीनियर्स, सारे इंजीनियर जो देख रहे हैं, ऐसे जिसने इंजीनियरिंग करनी है तो कमेंट कर दो नीचे कि इंजीनियर्स आर द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंजीनियर्स आर द बेस्ट। चाहे वो इंजीनियरिंग उसके बाद करे भी ना, जिसने एक बार एडमिशन ले ली इंजीनियरिंग में, दोस्त भी निकाल दिए, उसकी किस्मत बेस्ट खराब है भाई साहब। जैसे दोस्त इंजीनियरिंग में बनते हैं ना, वैसे तुम्हारी जिंदगी भी नहीं बन सकती है। मैंने कहा भी सिर्फ खड़े होने को, यहाँ पे ब्रेड ऑमलेट जल गया, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो घर पे ब्रेकफास्ट वगैरह सबने कर लिया, और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कि अपनी वैक्सिंग वगैरह करवाऊँ, पार्लर जाऊँ, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने सोचा कि आज सारा काम करा ही लेंगे पार्लर का। और ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने के बाद ये नॉर्मल गाड़ी चलानी इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क लगता है ना, हाथ ही नहीं बैठता है कुछ टाइम तक ना। हुलिया सुधारते सुधारते मुझे 1.5-2 घंटे लग गए हैं, और घर जाके देखना है कि लंच का पापा ने क्या किया है। इधर चल रही है सोया चंक्स बनाने की तैयारियाँ। क्या बात है पिताश्री, सोया चंक तो बन गए? बन गए, गजब के बने। क्या बात है, ये क्या बन रहा है सर? ये मशरूम ऑस्टर मशरूम, दिस इज ऑस्टर मशरूम। क्या बात है, ये पहली बार खाने वाले हैं ना हम? एक चम्मच डाला था। हाँ, ये भिगो के इतने हो गए। ये सिर्फ एक चम्मच है? एक चम्मच से। पापा ने मेरा काम बहुत ही ज्यादा आसान कर दिया, मुझे बस रोटियां बनानी है। तो मैं फटाफट नहा धो के तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि अभी आदित्य भी आने वाला है, ओंकार के भी कब से कॉल आ रहा है। तो माता जी का आ गया है कॉल कि वो पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन, तो पापा गए पिक करने के लिए उनको। तो मैं सोचू की मीन बाई मैं थोड़ी खाने की तैयारी कर लूं, चपाती वपाती वगैरह बना दूं, क्योंकि मम्मा भी थके हारे होंगे और पापा ने भी अब तक लंच नहीं किया।
आ गया। लंच देखने में इतना टेम्पटिंग लग रहा है ना, खा के देखते हैं कि कैसा बना है। सोया चंक बहुत अमेजिंग। अब बारी ऑयस्टर मशरूम चखने की, और ऑयस्टर मशरूम जो होता है ना उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू जो हम नॉर्मल बटन मशरूम खाते हैं, पर मैंने कभी ये टेस्ट नहीं किया, कभी खाई नहीं है, तो एक बार खा के देखते हैं कि इसका कैसा स्वाद है। ऐसा लग रहा है जैसे चिकन का पीस हो, ये पता नहीं ऐसी होती है या फिर पापा ने इतनी ज्यादा स्वाद बनाया, बहुत ही ज्यादा स्वाद बनाया। पापा ने इसके अंदर कड़ी पत्ता डाला, उसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है। मतलब अगर आप मशरूम बना रहे हो ना तो उसके अंदर कड़ी पत्ता और राई का तड़का लगाना, सीरियसली बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है। इतना स्वाद खाना खाने के बाद ना लिटरली इतनी ज्यादा नींद आ रही है ना, मन कर रहा है सो जाऊं, परंतु ओंकार पहुंच चुका है नीचे। ओंकार कैसे हो? चल तुमने तो मुझे उबर ड्राइवर बना दिया हुआ है, मैं यहाँ पे अकेला आ गया। मैम ओटीपी बताइए। ओटीपी है 2566999222। अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स बता दी है। अभी हम आया फूडी वी की शॉपिंग करने के लिए, और आपको बता दूं कि अगली जो हमारी फूडी वी की वीडियो होने वाली है ना वो बहुत ही ज्यादा फन वीडियो होने वाली है, क्योंकि अभी से मुझे मजा आना शुरू हो गया है। वीडियो बनाते वक्त तो पता नहीं क्या होने वाला है, तो अगली फूडी वी की वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलना। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो में, मतलब घर पे। खौफ देखो ओंकार का, ओंकार का खौफ देखो, मतलब स्टूडियो बोलते बोलते याद है ओंकार घर, नया घर। फूडी वी की डिस्कशन हमने कर लिया, और अब लोग ये बहुत ही ज्यादा जोर से भूख, बहुत जोर से, और आज तुम्हारे मम्मा ने, मतलब हमारे मम्मा ने, मतलब मेरे मम्मा ने, कि मतलब मम्मा ने हाँ। मम्मा ने आज भेजिया कड़ी, मेरी फेवरेट, और साथ में चावल नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि हम अभी चावल बनाए और गरम गरम कड़ी चावल खाए, मतलब मजा आ जाएगा। मम्मा ने ना मठिया भी बना के भेजी हुई है, और साथ में अपनी दूसरी वाली मम्मा ने ये चटनी भेजी हुई है आम की, तो मैं दोनों मंगियों की बनाई हुई चीजों को साथ में मिक्स करके तुम लोगों ने ना गंदा डाल रखा है। मट्टी की शक्ल देखो, निकड़ी जा रही है। तुम लोगों ने गंदा डाल रखा है, सबसे गंदी शक्ल इसकी है। तूने इसको क्यों डाल दिया? बोल क्या बता। बाथरूम में साबुन नहीं है, किचन में साबुन है। हाँ। बंदा बाथरूम से हक के किचन में हाथ धोएगा? तो वहाँ से साबुन ले जा, साबुन की कमी थोड़ी है, साबुन वहाँ वॉशरूम में था, तुमने यहाँ रखा है, किसने रखा है? मैंने। तो साबुन, हाउ डेयर यू, साबुन की कमी थोड़ी है, साबुन वहां से ले जा, बाथरूम में रखो। और मुझे ये नहीं समझ आता, एक बाथरूम वहां पे जो रूम के साथ है वो पूरा फंक्शनल है, सब कुछ उधर पड़ा है, तुझे यहाँ पे लैट्रिन करने में क्या मजा आता है? क्या लैट्रिन लैट्रिन लगा रहे कि स्टॉप दिस, खाते हो तो भी लैट्रिन फ्रेंच वर्ड है, हाँ हिंदी वर्ड नहीं है, हमको लोग लगता है कोई गंदा वर्ड है। फिर तो हमारे गांव के लोग तो मस्त अंग्रेजी है, अंग्रेजी हमारे पिंड वाले तो फ्रेंच बोलते हैं, फ्रेंच शायद मतलब इंग्लिश वर्ड नहीं है, इट इज यूरोपियन कोई कंट्री का वर्ड है, अभी चेक करता हूँ, फ्रेंच वर्ड है लैटरिन, ये देखो। वाओ मेरे पिंड वाले बहुत एडवांस है, हमारे पिंड वाले भी एडवांस है, क्या आपके पिंड वाले भी एडवांस है? वेरी गुड। ये मुझे जब मैं मिडिल स्कूल में था तब पता लगा था कि दिस इज अ फ्रेंच वर्ड, और हमें लगता है ये गंदा वर्ड है, बट ये है नहीं सच्ची। एक चीज बताओ गंदा, ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप पर्ची देख रहे हो ना, जो आज हमने वीडियो की शॉपिंग की है उसकी लिस्ट बहुत, आज तो बहुत खर्चा, और ये सिंगल पर्ची नहीं, एक पर्ची यहाँ पे एड ऑन भी है, दिखा दो लोगों को सारा का सारा खर्चा। सारे राज बता दूं, पर बहुत सामान खरीदा हुआ है, मतलब सामान खरीदा हुआ है। फूडी वी की वीडियोस आने वाली है धासु, क्योंकि भाई साहब, क्योंकि जैसे मैंने बोला था स्टूडियो तैयार है, बॉलीवुड में मूवियां बनाता है अनुराग बासु, वाह फूडी वी की वीडियो होगी बिल्कुल धासु। धासु क्या बात है, शायरी आ रही है, एक टाइम पे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती थी इसको बिपाशा बासु, नहीं फूडी वी की वीडियो आएगी बिल्कुल धासु, ये शायरी कहीं फूडी वी में मार देगा। अब मुझे भी शायरी याद आएगी, मुझे है कोरोना क्या मैं खासू, हमारी फूडी वी की वीडियो आएगी धासु, क्या बोली इसको कट कर दियो, इससे पहले लोग हमें अनसब्सक्राइब करें। अरे बनाने पड़ेंगे ना, तो कितना टाइम लगता है? एक्चुअली पता क्या हुआ, पानी डालना होता है, मम्मा ने कड़ी भेजी थी, मम्मा को पता नहीं था कि हम आज यहाँ पर घर पे रुकेंगे, तो उन्होंने भेजी थी तो मैं अपने घर पे खा लेना, नहीं तो राजमा चावल सैलेड सबको जाना था। बढ़िया सा खाना खाने के बाद अब टाइम आ चुका है एडिटिंग करने का, उसके बाद में सोऊंगी, और अब मैं आपको मिलूंगी कल अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, चमक है, बाय गाइस, गुड नाइट।